हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इस्टुमें ऑफ एनमार स्पेक्ट्रोस्कोपी लास्ट लेक्चर में हमने एनमार स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिक प्रिंसिपल्स की स्टडी करी थी आज यहाँ हम देखेंगे मेजरिंग ऑफ एन एनमार स्पेक्ट्रम यहाँ पे जो एनमार स्पेक्ट्रम की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जिस न्यूक्लियस की यहाँ पे बात हो रही है वो न्यूक्लियस किसका है प्रोटोन का इसीलिए इस स्पेक्ट्रम को स्पेक्ट्रोस्कोपी को बोल रहे हैं प्रोटोन एन एम आर स्पेक्ट्रोस्कोपी ई प्रोटोन एन एम आर इस्पेक्ट्रम इज यूजली ऑप्टेन बाई डिजॉल्विंग दैंपल इन ए इनर सॉल्वेंट डेट डज नॉट कंटेन प्रोटोन न्यूक्लियाई किसी भी कंपाउंड का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले उसको सॉल्यूशन फॉर्म में लेंगे उसको एक सॉल्वेंट में डिजॉल्व करेंगे यहाँ पे जो सॉल्वेंट यहाँ पे अपन ले रहे हैं वो सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें किसी भी तरह का प्रोटोन का न्यूक्लियाई प्रजेंट नहीं हो क्योंकि हम प्रोटोन एनएमआर स्पेक्ट्रम की यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं इसलिए सॉल्वेंट में प्रोटोन न्यूक्लियाई प्रेजेंट नहीं होना चाहिए अगर प्रोटोन न्यूक्लियाई सॉल्वेंट में प्रेजेंट होगा तो उस कंपाउंड का स्पेक्ट्रम हमें सही सही प्राप्त नहीं होगा इस तरह के कुछ सॉल्वेंट जैसे हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड को यहाँ सॉल्वेंट के रूप में काम में ले सकते हैं क्लोरोफोम एंड कीटोन को भी सॉल्वेंट के रूप में काम में लिया जा सकता है लेकिन यहाँ पे क्लोरोफॉम और कीटोन में जो हाइड्रोजन एटम है उसको ट्यूटेरियम के द्वारा पहले रिप्लेस किया करना चाहिए और उसके बाद में इनको भी हम सॉल्वेंट के रूप में काम में ले सकते हैं ए स्मॉल कंपाउंड ऑफ रेफरेंस कंपाउंड इज आल्सो एडेड यहाँ पे रेफरेंस कंपाउंड भी लिया जाता है रेफरेंस कंपाउंड के रूप में यहाँ पे टी एम एस टैट्राथ मे, टैट्रामेथिल सिलेन को काम में लिया जाता है द सोल्यूशन इन ए थिन ग्लास ट्यूब इज प्लेस्ड इन द सेंटर ऑफ ए रेडियो फ्रिक्वेंसी कोयल बिटवीन द पोल फेसेस ऑफ ए पावरफुल मैगनेट यहाँ पे जो सैंपल है उसको एक थिन ग्लास ट्यूब में रखा जाता है जो कि सेंटर में रहती है जिसके दोनों तरफ रेडियो फ्रिक्वेंसी कोयल्स प्रजेंट होती हैं और उन दोनों रेडियो फ्रिक्वेंसी कोयल्स के दोनों तरफ एक पावरफुल मैग्नेट होता है जिसके दोनों पोल फेसेस होते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल इन मॉडर्न फोरियर ट्रांसफॉर्म स्पेक्ट्रोमीटर द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज हेल्ड कांस्टेंट एंड द रेडियो फ्रिक्वेंसी इज वे यहाँ पे जो फोरेड ट्रांसफॉर्म स्पेक्ट्रोमीटर हम काम में ले रहे हैं वहाँ उसमें जो बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया जा रहा है उसको कांस्टेंट रखा जाता है और रेडियो फ्रिक्वेंसी को चेंज करते रहते हैं और uh, एक स्थिति ऐसी आती है जब वो कम्पाउंड एग्जैक्ट रेडियो फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्व कर लेता है और उस कंपाउंड का स्पेक्ट्रा एन एम हमें प्राप्त होता है The instrument computer uses a mathematical process called Fourier transformation to sort the signal that is produced in the resonance reference foils of the different proton nuclei. Whether it is the magnetic field strength that is varied, this variable increases from left to right in the recorded spectra. यहाँ पे जो रेफ्रेंसेज फॉल्स यहाँ पे काम में ले रहे हैं उसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ को चेंज किया जा सकता है और हमें उस कंपाउंड का स्पेक्ट्रा रिकॉर्डर में वहाँ पे प्राप्त हो जाता है यहाँ पे हम एनमर इंस्ट्रूमेंट के डायग्राम्स के डायग्राम के द्वारा इस मेजरमेंट को समझ सकते हैं यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में दो मैग्नेटिक पोल्स रखे हुए हैं हाई स्ट्रेंथ के मैग्नेटिक पोल्स हैं इन मैग्नेटिक पोल्स के बीच में एक सैंपल ट्यूब है जिसमें कि सैंपल सॉल्वेंट सॉल्यूशन फॉर्म में भरा हुआ है सैंपल ट्यूब के दोनों तरफ सिप कोयल्स लगी हुई है ये सिप कोयल्स ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी स्ट्रेंथ को कंट्रोल करती है या ये समझ सकते हैं इसकी स्ट्रेंथ इस को चेंज करती है यहाँ पे ये यह जो मैग्नेटिक फील्ड है ये टेन थाउजेंड से फोर्टीन थाउजेंड का यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हम लगा सकते हैं उस कम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्पेक्ट्रा एनमर स्पेक्ट्रा प्राप्त करने के लिए सैम्पल ट्यूब में जो फ्रीक्वेंसी जो की रेडिएशन हमें डालनी है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर द्वारा डाली जाती है सैम्पल uh, ट्यूब में प्रेजेंट सॉल्यूशन इस फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब करता है और एब्जॉर्ब करके वो लो एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में ट्रांसमिट होता है तो यहाँ पे जो ट्रांसमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियशंस है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर एंड एम्पलीफायर द्वारा रीड की जाती है ये रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर एंड एम्पलीफायर आगे रिकॉर्डर से जुड़ा हुआ होता है जहाँ पे उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमें स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है उस स्पेक्ट्रा का हम एनालिसिस करते हैं स्टडी करते हैं और उस कंपाउंड के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं द मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्बन यहाँ पे ये जो न्यूक्लियाई है ये रेडियो फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्व कर रहा है और हमें स्पेक्ट्रा दे रहा है ये एब्जॉर्प्शन uh, किस तरह से होता है इस प्रोसेस को यहाँ पे हम देखेंगे ऑफ प्रेसिसिंग इन द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड द प्रसिजेशन ऑफ ए स्पिनिंग न्यूक्लियस रिजल्टिंग फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है ये क्या कर रहा है अपने एक्सिस पर स्पिन कर रहा है और उस स्पिन के कारण यहाँ पे वो एक मैग्नेट के रूप में बिहेव कर रहा है तो यहाँ पे ये जो इस, इसका इसकी जो इस ये स्पिनिंग न्यूक्लियस है इसको हम एक लड्डू की तरह देखते हैं जिस तरह से लड्डू ज़मीन पे जब उसको रखते हैं घुमाते हुए तो वो अपने अक्ष पर वो घुंटन करता रहता है घूमता रहता है घूमता रहता है और एक स्थिति ऐसी आती है जब वो थोड़ा तिरछा हो जाता है ठीक है और तिरछा होते हो तो वो नीचे गिरने लगता है ऐसी ए, ऐसा ही सेम इस न्यूक्लियस के साथ होता है ये न्यूक्लियस भी अपने एक्सिस पर स्पिन करता रहता है और स्पिन करते करते एक स्थिति ऐसी आती है कि वो नाइन्टी डिग्री के एंगल पर तिरछा हो जाता है इस मोशन को बोलते हैं इस गति को बोलते हैं प्रिसजन गति या प्रसरण गति प्रिसजन मोशन या प्रसरण गति तो यहाँ पे ये जो स्थिति आती है इसको हम एक ए, एंगुलर मोमेंटम द्वारा मोमेंट के थ्रू शो कर सकते हैं जिसको बोलते हैं ओमेगा डायग्राम में शो हो रखा है द न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस प्रोसेस एब्जॉर्प्शन अकर्स वैन वी इज इक्वल टू ओमेगा यहाँ पे वी तो है रेडियो फ्रीक्वेंसी और ओमेगा है यहाँ पे एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रिसीजन जब यहाँ पे जो प्रिसजन की गति है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी की गति के बराबर हो जाती है तो उस स्थिति में यहाँ पे रेजोनेंस होता है और हमें उस कंपाउंड का एनएमआर स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है तो यहाँ पे वी क्या है वी है यहाँ पे अप्लाइड रेडियो फ्रिक्वेंसी जो कि हम उस कंपाउंड को या उस सैंपल को दे रहे हैं और ओमेगा है यहाँ पे ओमेगा इज द एंगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ प्रिसीजन ये जब दोनों बराबर हो जाते हैं जैसे ओमेगा यहाँ डायग्राम में दिया हुआ है सिक्सटी मेगा मतलब वी और ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे जब सिक्सटी मेगा हर्ट्स हो जाती है तो उस स्थिति में वो कंपाउंड क्या होता है हाई एनर्जी स्टेट से वापस नीचे आता है और इस स्थिति को बोलते हैं रेजोनेंस और उस स्थिति में हमें उस कंपाउंड का एन स्पेक्ट्रा प्राप्त हो जाता है थैंक यू